दोस्तों इंडिया में 100 रुपीज़ में 1 GB इंटरनेट मिलने वाला है कुछ ही दिनों से। अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हो तो आज की वीडियो आप ज़रूर से देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन अंत तक होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है सत्य पटेल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी गुरु। तो करते हैं शुरू। कुछ ही देर पहले ये न्यूज़ निकल कर आई और मैं एक ब्लॉग पढ़ा और इस न्यूज़ को देखा, तो ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि बैड न्यूज़ है, मैं खुद मोबाइल डेटा यूज़र हूँ, 100 रुपीज़ 1 GB के देने पड़ेंगे। दोस्तों चलिए माजरा को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बजा लो और इस तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं 100 रुपीज़ में 1 GB इंटरनेट कब से हम लोग को लेना पड़ेगा। दोस्तों बात यह है, एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल को शायद कुछ लॉस हो रहा है। जियो जब पहली बार आया था तो फ्री में डेटा दे रहा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेटा बहुत कम प्राइस में देने लगा, तो उसी के कॉम्पिटिशन की वजह से एयरटेल को भी यहाँ पर बहुत सस्ते प्राइस पर ज़्यादा डेटा को देना पड़ा। तो दोस्तों इतने दिनों तक देने के बाद सुनील मित्तल जी को अब ये लगता है एयरटेल कंपनी के ARPU के लॉस के वजह से यहाँ पर 100 रुपीज़ में 1 GB डेटा लेना पड़ेगा सबको, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, किसी को भी। अब मैं माजरा बताता हूँ, ARPU होता क्या है, पहले ये शॉर्ट में आप समझ लो, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अभी 150 रुपीज़ के करीब चल रहा है। तो इंडिया में कई सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो 600 रुपये वाला प्लान यूज़ करते हैं, जैसे मैं खुद करता हूँ, कोई 400 करता है, कोई 500 वाला करता है, और एयरटेल में सबसे कम वाला प्लान जो 45 या 49 रुपीज़ में होता है वो भी बहुत कोई करते हैं। एक महीना के लिए वो लोग वो चला लेते हैं, मतलब 49 का रिचार्ज कर लिया, एक महीना दो महीना तक चला लिया। तो इसीलिए जब सबका प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है टोटल पीपल ऑफ एयरटेल यूज़र, देन आता है ARPU। तो कंपनी का ARPU काफ़ी कम होता है, तो कंपनी का ARPU काफ़ी कम है, 150 रुपये पर यूज़र भी नहीं आ रहा है, इसी वजह से एयरटेल को अभी काफ़ी लॉस लग रहा है। तो इसी वजह से एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने यहाँ पर एक इंडिकेट किया है कि 100 रुपीज़ के 1 GB डेटा हम लोग को अब फ्यूचर में देने होंगे। अब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ज़्यादा रुपीज़ में कम डेटा लेने के लिए रेडी हो जाओ। दरअसल दोस्तों उनका कहना यह है कि 160 रुपीज़ में जो 16 GB एक महीने के लिए हम लोग को मिलता है वो अब हम लोग को नहीं मिल चाहिए। उनके हिसाब से 160 रुपीज़ में 1.6 GB इंटरनेट ही हम लोग को टोटल मिलना चाहिए। मतलब दोस्तों इसको अगर हम लोग देखें तो 100 रुपीज़ में 1 GB इंटरनेट डेटा फ्यूचर में जितने सारे प्लान होंगे, जितने भी महंगे हम लोग ले ले, चाहे 290 ले ले, 200 ले ले, कुछ भी, उसका सिर्फ 1 GB 2 GB इंटरनेट, यानी कि हम लोग फिर से वही पुराने ज़माने में आ गए हैं। अब उनके हिसाब से हम लोग को फिर से उस पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग इतना सा डेटा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, इंडिया डिजिटल हुआ फ्री इंटरनेट के वजह से। और उनका अब कहना है कि फिर से अब हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे, 1 GB इंटरनेट का 100 रुपीज़ कर देंगे। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं जियो को या वोडाफोन को क्यों ऐसा करना पड़ेगा, प्राइस क्यों बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको सिंपली टर्म में बता देता हूँ कि एयरटेल जियो के वजह से प्राइस अपना घटा दिया। एयरटेल एक महंगा कंपनी, अपने प्लान्स वो पहले से ही महंगा रखता था, लेकिन जियो के वजह से वो अपना प्लान्स काफ़ी कम कर दिया उसका प्राइस को। आप मुझे ये बताओ कि एयरटेल अब अचानक से ये डिसीजन लेकर अपने कंपनी को क्यों लॉस देगा। दोस्तों उनके बीच कोई म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है जिसके वजह से जियो भी ज़्यादा पैसे ले और 1 GB इंटरनेट दे, मतलब हर सिम फिर से पुराना ज़माना में चल जाएगा हम लोग का इंडिया। दोस्तों फिलहाल के लिए यही सारे न्यूज़ निकल कर आए हैं, फ्यूचर में देखते हैं ये सब प्लान आएंगे कि नहीं और इसके बारे में क्या होता है राय। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ पाने के लिए। फिलहाल शेयर कर दें इस वीडियो को क्योंकि खबर बहुत ही अजीब है। दोस्तों चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अच्छी खबर निकल कर आती है। तब तक के लिए देखते रहे टेक्नोलॉजी गुरु, गुड बाय।